गोल विधानसभा सत्र चला आया है और कल से फिर 3 दिन का सत्र है, लेकिन सत्र का जब फायदा हो है, जब हरियाणा प्रदेश के युवा की बात हो, हरियाणा प्रदेश के विकास की बात हो, हरियाणा प्रदेश के किसान की बात हो, हरियाणा प्रदेश के आढ़तियों की बात हो, 36 बिरादरी की जब बात हो, विकास की बात हो, तो फायदा हो है। ये सब नाम का सत्र है, वहाँ देख के आपने एक से एक बड़ी झूठ अगर कहीं बोली जाए तो सत्र में बोली जाए, विधानसभा सत्र में। कुछ दिन पहले देखा आपने, काका बेटा लड़न लाग रहे थे, भाई विधानसभा सत्र दो, प्रदेश के हित के लिए हो, वहाँ उसकी जिक्र होना चाहिए। लेकिन उड़ो उन्हों का दत्तों बड्डा चोर, उन्हों का दत्तों बड्डा चोर, अरे वो अखाड़ा थोड़ा, वो आपने ये लड़ाई लड़नी है आपस की, अपनी घर की बात है, सो दोनों एक से, लेकिन बाहर घर जाकर लड़ दो और कहीं लड़ दो, टाइम खराब करने की बात है। अगर मंत्रियों की बात करा तो आपने देखा संसद में सत्र जब चलता विधानसभा का, तो मंत्री श्रीराम झूठ बोल रहे हैं, और कई बार तो विधानसभा स्पीकर ने भी ये कह लिया गलत रिपोर्टिंग करने पर मंत्री के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन होना कुछ नहीं। तो क्या है सत्र, वो सत्र का फायदा हो भाई, जब हरियाणा प्रदेश की बात हो, युवा की बात हो। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर जो है सत्ता पक्ष माफ़ी मांगने पर अड़ा हुआ है, क्या कहना है? क्या था राहुल गांधी का, माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी ने? आपने देखा कई दिन पहले वीडियो आई थी नरेंद्र मोदी चाइना में कह रहा था, अगर मैंने तो बड़ा दुर्भाग्य है इसे गलत दी समझने में ले लिया, नरेंद्र मोदी की बात थी, बड़े बड़े टीवी चैनल पर चलिया, लेकिन जो मोदी की गोदी वीडियो है वो दिखा नहीं रही, ये सच्चाई है। अगर माफ़ी मांगनी चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने मांगनी चाहिए। उसने क्या कहा था, उन्होंने बात तो नहीं की, उन्होंने श्वेत पत्र भी दे दिया, बता भी दी, अब हम अपनी मांग रखूँगा, इसमें क्या दिक्कत है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। लेकिन अगर सही में देखा जाए नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगनी चाहिए देश में। आप चाइना में जाकर इतनी घटिया बात करे, वो देश के ये कह रहा दुर्भाग्य है ऐसे गलत देश में जन्म लिया, प्रधानमंत्री रहने का उसका कोई अधिकार ही नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और चाइना में जाकर रहना चाहिए। और चाइना की बात करो आप, अपने देश की कई सौ किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया चाइना ने, कहाँ है ये मोदी, कहाँ सरकार है? बेमौसमी बारिश से कई जगह फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, झज्जर में भी हुई है, हिसार में भी, क्या कहना है? देखिए उसमें मेरा ये कहना है, जो बेमौसमी बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई कई जगह, तो आपने देखा सरसों के खेत, सरसों बिल्कुल ही ख़त्म होगी, कई जगह गेहूँ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी तो यही मांग है कि आप तुरंत स्पेशल गिरफ्तारी करा के किसान की जो भरपाई है, नुकसान हुआ है, वो पूरा करने का काम करे, ये मेरी मांग है। और विधानसभा में भी इस बात को हम रखेंगे। सरसों की बात आई तो अभी तक खरीद शुरू नहीं हो सकी है, आढ़तियों और जो एफड अधिकारी है उनमें जो कमीशन होता है उसको लेकर कहीं पैच फंसा हुआ है। नहीं, पैच क्या गलत है, आढ़ती क्या नया मांग रहे हैं? आढ़ती की जो पहले मांग थी, जो पहले चलता रहा था, 2.5% की बात कर रहे हैं क्या? एक इनका जो दलाल है, एक इनका सरकार का जो एफड का खरीद करे, उसने तो क्विंटल के लिए 45-47 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, आढ़ती का 2.5 से 1.5 लेगा रहे, इनका कुछ नहीं, एक ही मनसा है, आढ़ती अपने मंडी छोड़ कर चले जाएं, और जो 3 काले कानून ले आए थे आढ़ती चले जाएं, आपा लागू हो गए भाई, इन्होंने तो सीधा कहा नहीं तो इन्होंने तो पकड़ लिया। असलियत तो ये है कि किसान को और किसान के जो परिवार आढ़ती, इनको देखना पसंद नहीं करते, ये तो सब अडानी की अनाज को देना चाहते हैं। और देख क्या कृषि मंत्री ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, सोलो लगा लिए, ये तो इनका अपना बिजनेस चलना चाहिए, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।